कोपरखैरने सेक्टर 4 के लोकमान्य तिलक इंजीनियरिंग कॉलेज में आम विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया से दूर रखा जाने का आरोप करते हुए बहुजन विद्यार्थी परिषद के थाने जिला अध्यक्ष यशपाल ओहल ने सोमवार को कॉलेज पर आंदोलन किया। इस समय विद्यार्थियों ने महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पर घोषणाबाजी कर प्रशासन के खिलाफ निषेध दर्शाया। मागसवर्गीय विद्यार्थियों को प्रवेश मिलना ही चाहिए, ये मांग लेकर आंदोलन किया गया। इस समय कॉलेज की इमारत के कांच एवं कुंडी तोड़े गए और 100 आंदोलकों ने जबरन अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया, जिसमें आखिरकार कोपरखैरने पुलिस ने हस्तक्षेप कर आंदोलनकर्ताओं को रोकते हुए 12 आंदोलनकर्ताओं पर शिकायत दर्ज की। इस समय महाविद्यालय में प्रवेश के लिए 1 से 5 लाख रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं, ऐसा आरोप बहुजन विद्यार्थी परिषद ने किया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प्रणित बहुजन विद्यार्थी परिषद याच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात आले, याचे कारण असे की या ठिकाणी हे बेईमान प्रशासन स्थानिकांना प्रवेश देत नाहीये। जर तुम्हाला पुढच्या वर्षी ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर आदल्या वर्षी 1 लाख रुपये बुकिंग अमाऊंट दिले जाते, इथे प्रवेश दिला जातो, स्थानिकांना प्राधान्य दिले जात नाही। मागासवर्गीय एससी एसटी एनटी ओबीसी यांचे स्कॉलरशिप फीशिप भरून दिले जात नाहीत, त्यामुळे या प्रशासनाच्या विरुद्ध आम्ही आंदोलन केलेलं आहे। लेकिन इन आरोपों का खंडन करते हुए इन आरोपों में किसी भी प्रकार की सच्चाई न होने की बात कॉलेज के प्राचार्य विवेक सुन्ना पवार ने बताई। आमच्या इथे जे प्रवेश होतात पूर्णपणे शासनाच्या प्रक्रियेनेच होतात आणि आमच्याकडे जे प्रवेश होतात त्याची रीतसर आम्ही शासनाकडून मान्यता पण घेतो, त्यामुळे असं काही होण्याचं काही संभव नाही आहे। त्यांच्या काही मागण्या असतील ते जे म्हणतात की स्थानिक लोकांना प्राधान्य दिलं पाहिजे, तर त्याप्रमाणे त्यांच्या ज्या काय त्यांचे जे त्यांचं जे म्हणणं आहे ते मी आमचं जे व्यवस्थापन आहे ते नागपूर वरून आमचं व्यवस्थापन होतं। कॅमेरामन प्रणित कापसे के साथ सोनल ललावडे की रिपोर्ट।